ऐसी कोई बात नहीं, पृथ्वी बहुत अच्छे, इतना अच्छा नेचर है उनका, इतने प्यार से सबसे बात करते हैं, इतने डाउन टू अर्थ है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा रिश्ता उनके साथ होने जा रहा है। शायद, लेकिन वो करण सर से अच्छे नहीं है। बिल्कुल है, 100% है। नहीं, पृथ्वी तो बस पृथ्वी है और उनमें से कुछ खास नहीं है कि उनको देख के कुछ मुंह से वाव निकले, ठीक है। लेकिन मेरे करण सर के बारे में तो हमने शुरू से सुन रखा था। अरे हम उन्हें मिले भी नहीं थे, हम तब से उन्हें जानते हैं। और लूथरा खानदान, क्या ऊंचा स्टेटस है लूथरा खानदान का, क्या दिया रहा। अब की ना तूने समझदारी वाली बात। लूथरास का स्टेटस इतना ऊंचा है कि उनके और हमारे बीच स्टेटस की एक बहुत गहरी दरार है जिसे भरने का मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल लड़की की तरह सोचती हूँ। मुझे पता है कि सपनों के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती। लेकिन हाँ, अगर तू चाहे तो तेरी शादी ना समीर से जरूर हो सकती है, क्योंकि तू उसके बारे में इतना सोचती है, सोते जागते उसके ख्वाब लेती है कि क्या पता लक बाय चांस ये ट्रू हो जाए और तेरी शादी समीर से हो जाए। पे 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 पे। ओ कम ऑन दी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। देख के नहीं चला सकता, गाड़ी देख के नहीं चला सकता तू। क्या मारे मत देखे, थोड़ी सी खरोच आई है, ज्यादा नुकसान नहीं हो आपकी गाड़ी को। खरोच? हाँ, थोड़ी सी खरोच आई है। यस कोच। देखिए सर, तूने मेरी गाड़ी की शक्ल खराब की ना, मैं तेरा हुरिया बदलूंगा। ये इतना बड़ा नुकसान किया तूने मेरी गाड़ी का, कौन भरेगा पैसे बोल, कौन भरेगा? I'll call you back. Bye. आप गुस्सा मत कीजिए, पैसे दे, मैं देता हूँ ना आपको पैसे। एक मिनट रुकिए, आप खाली बोलिए कितना हुआ बताइए, आपके कितना चाहिए बताइए आप। मुझे पैसे का रौब दिखाएगा? तू मुझे पैसों का रौब दिखाएगा? राइट, हाय, क्या हाल है? आप यहाँ पर कैसे? गाड़ी मैं चला रहा था, ये साथ में बैठा था बाहर। तो ठीक है ना चंदा? अरे अंकल, आपको चोट वोट तो नहीं लगी ना? एक्चुअली यू नो, मैं कहीं पे जा रहा था और लेट हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही है। I'm really sorry. आप बोलिए ना, आपको पैसे कितने चाहिए? पैसा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ये मामूली सा तो ये यू नो खरोच चाहिए गाड़ी को, ये तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, इट्स नथिंग। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पैसे बताइए ना आप। अरे क्या चंदर जी रहे? अरे चंदर जी, कैसे हाल करते हैं आप यार? एक्चुअली आज मेरा रोका है तो मैं रोके के लिए जा रहा था और थोड़ा सा लेट हो गया, न जाने में गुस्से में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। पैसे वैसे की क्या बात कर रहे हैं आप, इट्स ओके जस्ट चिल। अरे आप लोग जाइए जाइए, घर की बात है, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं ये, जाइए जाइए आप। थैंक यू। ये आदमी तो एक नंबर का कमीना है, पहले तो एक गुंडे की तरह बिहेव किया और मेरे सामने आते ही दिखावा कर रहा है। अरे भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, आप भी मेरे रोके पर आ जाइए, आपके सर को एड्रेस पता है तो आप आ जाइए। एंड सॉरी, हाँ प्लीज डोंट माइंड गाड़ियों का। अच्छा तो चलता हूँ मैं, आपको तो रोके पे मिलने ही वाला हूँ, सो आई सी यू, बाय। कुछ तो झोल है बॉस, बहुत बड़ा झोल। ऐसी क्या बात करनी है? अरे अब बैठो तो सही, मैं बताती हूँ मुझे क्या बात करनी है। बोल, अब मुझे आप बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, नर्वस हो ना? क्यों क्यों बोले तो? अरे ऐसे कैसे यार, एक मिनट, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल की धड़कन का सुर
और स्पीड दोनों चेंज हो गए हो, दिल में एक अलग किस्म की धक धक हो रही हो। ओह माय गॉड, ऐसे स्टूपिड सवाल क्यों कर रही है? अरे जब वो सुप्रिया की शादी हो रही थी ना, सुप्रिया बोले तो मेरी कॉलेज फ्रेंड, तो जब सुप्रिया की शादी हो रही थी ना, तब उसने मुझे बताया था कि उसके पेट में ना ऐसे तितलियां उड़ रही थी। वो क्या कहते हैं, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे पेट में ना ऐसे छोटे 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 नर्वसनेस के गुब्बारे फूट रहे हो। ऐसा कुछ आपको भी हो रहा है क्या? बताओ ना दी। अरे क्या यार, स्माइल नहीं मांगी है, जवाब मांगा है। बताओ ना आप एग्जैक्टली इस वक्त कैसे फील कर रहे हो? ओहो सृष्टि, अपनी ये बिना सर पैर की बातें ना अपने पास ही रख। हाँ तो मैं वैसे भी सर और पैर की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं दिल की बात कर रही हूँ, हार्ट की, जो सर और पैर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये पृथ्वी और उनकी फैमिली आने से पहले कुछ तो टाइम पास हो यार, बताओ ना दी। हाँ ओके फाइन, आई एम हैप्पी। यू हैप्पी? हैप्पी मतलब क्यों? क्योंकि आपको रोका हो रहा है इसलिए? हाँ, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए कि आज माँ की बात सच होने जा रही। याद है माँ ने दीपक से कहा था कि मेरी शादी एक बहुत ही अमीर और अच्छे लड़के से कराएंगी, और देख आज उनकी बात सच होने जा रही। तो बस यही वजह है कि आप खुश हो? एक वजह और है। क्या? अब करीना बुआ भी कभी माँ को नीचा नहीं दिखा पाएंगे, और हमें भी बिना वजह कभी उलट सुलट नहीं बोल पाएंगे। तुझे पता है सृष्टि, सच्ची बताऊं तो मैंने कभी जताया नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे गरीबी एक श्राप है। जैसे हम गरीब हैं तो हमने कोई पाप कर दिया, अमीर लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं ना, घर में कुछ गायब हो गया तो इसने चुराया होगा, किसी की तबीयत खराब हो गई तो इसी ने खाने में कुछ मिलाया होगा। वो तो भगवान बहुत बड़े जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमें ढेर सारी शक्ति दे देते, या फिर किसी भले इंसान को हमारी मदद के लिए भेज देते। ऋषभ जी बहुत अच्छे हैं। हेलो मामा जी। हाय पृथ्वी। हेलो सिस्टर इन लॉ, कहाँ थी आप इतनी देर से? बस आप ही का वेट कर रही थी। चल पुत्र, अब तू आ गई है तो तू भाग कर। और हाल कैसा है जनाब का? पहले तो आप यहाँ आके बैठिए, प्लीज सिट। थैंक यू। बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? आज तो आपका रोका होने वाला है। अच्छा फील कर रहा हूँ। वैसे आपकी दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही? आए हाय, अपने होने वाले की याद सता रही है? जब पंडित जी आएंगे ना तब आएगी दीदी रोके के लिए, उससे पहले नहीं। वैसे मामा ने ना आज आपका ख्याल रखने की ड्यूटी मुझे दी है, तो आज पूरा दिन मैं आप ही के साथ रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच काफी सारी बातें होंगी, हम घुल मिल जाएंगे और अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, मैं आपका होने वाला जीजू और आप मेरी होने वाली साली बन जाएंगे, राइट? वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं। क्या? आप शादी करने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए मैं डिले नहीं करता, खास करके उन कामों के लिए मैं बिल्कुल डिले नहीं करता जिनकी वजह से मैं अपने फ्यूचर की शक्ल बदल सकूं। मैं समझी नहीं, फ्यूचर का चेहरा चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मेरा मतलब है मेरी लाइफ में खूब सारी खुशियां आने वाली है ना, उन खुशियों का बेसब्री से इंतजार है मुझे। और प्यार भी ना? Of course. You know, ये जो प्यार और नफरत है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग्स है, और जो नफरत है वो इंसान को मजबूर बना देता है बदला लेने के लिए। आज के दिन हम नफरत वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ बात करने के लिए था नहीं, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, बिना मतलब की बातें कर रहे थे, और कुछ नहीं। क्या फर्क पड़ता है, बोलो सुनो, कान से निकाल दो। करेक्ट, मैं अभी आई। सृष्टि, वो करण कहीं पर नहीं दिख रहा? करण सर वो नहीं आएंगे, वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। ओके, मैं आती हूँ। करण नहीं आ पाएगा? Fantastic. इसका मतलब ये कि आज मेरा मूड खराब करने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा, और वो करण बहुत जासूसी करता है ना मेरी। हाँ, एक दिन उसे ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि सपने में भी नहीं सोच पाएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि
बिना कुछ के इतनी बड़ी बला टली सर से प्रीता का रोका. सीरियसली कैन बिलीव दिस. आई एम सो हैप्पी. सच कहूं तो मुझे भी ये फीलिंग आती. कितनी अच्छी डेकोरेशन है. पता है इनकी सेंस ऑफ डेकोरेशन बहुत अच्छी है. इतने छोटे से हॉल को कितने शानदार तरीके से डेकोरेट किया. बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया डेकोरेशन की है ना. तो ये जी, मैं एक मिनट आई. नमस्ते जी. नमस्ते. नमस्ते जी. नमस्ते. मैं यही सोच रही थी आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं. फोन करके पूछ लो इतनी देर कैसे हो गई. अरे सरला जी क्या बताएं, ये हमारी धर्मपत्नी जी है ना, एक बार तैयार होना शुरू होती है तो रुकती नहीं है भाई. कभी कपड़े, कभी मेकअप, कभी ज्वेलरी. अरे भाई मैंने लास्ट में ये कहा कि रोका प्रीता का है, आपका नहीं है, तब भी नहीं मानी. कुछ भी बोलते हो. मम्मी जी सुना आपने, बिना वजह कि आपका बेटा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है. आप कुछ कहती नहीं इनको. मेरे साथ हो ना मम्मी है. ये तो बस शुरू ही हो जाते हैं. अरे आपकी बिटिया रू भी आई हुई है. अरे आंटी जी कैसे नहीं आती. आपको पता है कल रात को ही मैं रू से फोन पे बात कर रही थी तो बातों बातों में निकल गया कि प्रीता का रोका है. और मैडम और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने फौरन मॉम को कॉल करके बोला कि मैं हॉस्टल से भाग के आ रही हूँ प्रीता के रोके के लिए. सच में प्रीता तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी. सच कहूँ तो आप सब लोग आए, हमारी खुशियों में शामिल हुए, परिवार जैसे तो है. बहुत खुशी हुई. ऋषभ क्या बात है बेटा, कुछ टेंशन में लग रहे हो. नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं, वो एक फोन करना था इसलिए थोड़े से टेंशन में. मैं फोन करके आता. तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ. नहीं मेरा मतलब है कि तू किधर. तू तो कह रहा था कि मैं रोके पे आऊंगा नहीं, तुझे पूना जाना है, तेरी प्रैक्टिस सेशन है, कोच आ रहा है, क्या हुआ? नहीं मेरा मतलब है हाँ वो कोच का फोन आया था, वो कह रहा था कि आज वो आ नहीं पाएगा. इसलिए उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मेरी बात हुई थी उससे. क्या हुआ अचानक से उसने कैंसिल कर दिया? वो अब कोच मुझे थोड़ी ना बताएगा अपनी प्रॉब्लम कि वो क्यों नहीं आया. तो वैसे एक बात बता, तू मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या लगता है मैं अपना सेशन कैंसिल करूंगा पीता के रोके में आने के लिए? ओ हेलो, तो अच्छी तरीके से जानता है वो मुझे ऐसे फंक्शंस में आना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो प्रीता के लिए नेवर, वो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? और तू मुझे क्यों बता रहा है कि प्रीता तेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं वो मेरा कहने का मतलब है यार वो लड़की मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती. शी इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी पीजे. और हाँ वो मैंने सोचा मैं यहाँ के तुझे बता देता हूँ कि मैं पुणे नहीं जा पाया. मैंने कहा मैं उसके बाद घर चला जाऊंगा. दैट्स इट. ठीक है हाँ, तो मैं जाता हूँ फिर. हाँ ओके. हाँ हाँ ओके. कम ऑन भाई कम ऑन, रोक ले मुझे, रोक ले भाई रोक ले. हाँ, भाई वो मैं क्या कह रहा था वो अब घर जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा यार, यू नो. तो अब पुणे भी नहीं जा रहा, घर अकेला बैठ के क्या करूंगा. तुम सब यहाँ हो और माँ मुझे देखनी है तो उनको अच्छा लगेगा. सरला आंटी को बहुत मानती हैं वो. तो मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रुक जाता हूँ. हाँ व्हाट से रुक जा. ओके अच्छा है. प्रीता कहाँ? शायद तैयार हो रही. मुझे प्रीता को पता नहीं होगा कि मैंने पृथ्वी का असली चेहरा देखा है. क्या हुआ तेरे को, तू फिर से खो गया? पता नहीं, she's so hot. Shut up करा. अच्छा तू इन बातों को छोड़, मैं तेरे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ. तू बैठ वहाँ. बैठ बैठ. रुक. मैं वही दिन में फोन लगाया. सर. थैंक यू. मैं कर लूंगी अब. थैंक्स. शी मुझे क्या हो गया, क्या फील कर रहा हूं मैं? गुस्सा, जेलेसी. आखिर मैं क्यों नहीं देख सकता इन दोनों को एक साथ? नाउ यू लुकिंग परफेक्ट. थैंक यू. करण आओ ना. तो फाइनली तुम मेरे रोके में आई है.
वैसे तुम रोके में आए हो या बाहर से गुजर रहे थे तो सोचा बाय करते चले जाओ? हाँ, रोके के लिए। That's great. लेकिन तुम्हारी तो प्रैक्टिस थी ना वो पुणे में, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा रोका अटेंड करना और मिस्टर प्रेस्टी को अच्छी तरह से जान पहचान लेना आई थिंक मेरी कोचिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन ट्रेनिंग तो होती रहेगी लेकिन पृथ्वी को अच्छी तरह से जानने पहचानने का मौका नहीं मिलेगा। Am I right? Actually, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो जानने लायक हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। Hi, पृथ्वी, तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे क्रिकेट मैच की तरह तुम्हारी बातें भी समझ में नहीं आ रही मुझे। तुम दोनों भूल गए हो क्या कि मैं भी इस कमरे में हूँ, मुझसे भी बात कर लो। और क्या बातें चल रही हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पृथ्वी को सब कुछ समझ में आ रहा है। भाई पृथ्वी, आपको समझ में आ रहा है तो आप भी मुझे बता दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा है। मैच ही तो चल रहा है, अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। अरे मेरी बेटी तो कितनी प्यारी लग रही है। करण भी आ गया। अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सच में अगर तुम नहीं आते ना तो आज तुम बहुत मिस करते, हम भी तुम्हें बहुत मिस करते। नहीं मुझे तो आना था आंटी, वरना मैं काफी कुछ मिस कर देता। ये कहना क्या चाहता है, ऐसे पहेलियों में बात कर रहा? अब प्रीति बेटा। जी आंटी। मैं असल में तुम्हें ढूंढती हुई आ गई थी। क्या है ना कि नीचे कुछ लोग आए हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लो, जरा चलोगे मेरे साथ? Yeah, yeah, of course, आंटी। तो चलिए। जी। आ जाइए। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है मेरी होने वाली दुल्हन को थोड़ा आराम करने दो। एक काम क्यों नहीं करते, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? क्यों आंटी? हाँ बेटा, पृथ्वी ठीक कह रहा है। बेटा अभी हमारे साथ चलो। नहीं मतलब साथ चलो, कुछ खा लो पी लो, बाद में वापस आ जाना। आ जाओ आ जाओ। ये कमीना मुझे जानबूझकर यहाँ से हटाना चाहता है ताकि मैं प्रीता से बात ना कर सकूं। आ जाइए बेटा। कब? करण डेफिनेटली कुछ कहना चाहता था लेकिन क्या? Of course. वो पेन वगैरह। It's okay, उसकी चिंता आप मत कीजिए। कुछ तो कमी होगी आप में। करीना, I mean mom, he's good looking, perfect है, पर फिर भी कुछ तो। वेल थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट आंटी जी। और रही बात कमी की, तो कमी किसी बात की नहीं है क्योंकि जो कमी थी वो प्रीता ने इस रिश्ते को हाँ कहकर पूरी कर दी। आपको पता है जब से प्रीता ने हाँ कहा है मेरे बिजनेस ने आसमान छू लिया है, और तो और मेरे पेरेंट्स इतने खुश है कि उन्हें प्रीता जैसी बहू मिल रही है। और फिर सल्ला आंटी का परिवार, इतने प्यारे परिवार से जुड़ने वाला हूँ। और सबसे अच्छी किस्मत की बात तो यह है कि आई मेट यू। यू ऑल जी, अच्छा। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी। हाय रब्बा, किसी की नजर ना लगे जी। वैसे सल्ला जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि दोनों बच्चों में से ज्यादा लकी कौन है ये तो तय करना कितना मुश्किल है। हाँ जी, मतलब प्रीता इज लकी क्योंकि उसे पृथ्वी जैसा लड़का मिल रहा है, या फिर पृथ्वी लड़की है क्योंकि उसे प्रीता जैसी बीवी मिल रही है। हो ना हो, दोनों बच्चे बड़े नसीब वाले हैं जी। और सबसे अच्छी बात, मैंने तो ये बात मान ली है कि हो ना हो भगवान ने ये रिश्ता किसी खास वजह से बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ना अपने होने वाले दामाद को थोड़ी देर के लिए चोरी करके ले जा रही हूँ, किसी खास से मिलवाना है। मैं बस अभी आई। चलिए बेटा। जी आंटी, एक्सक्यूज मी, उस लड़की से जेलसी फील हो रही है।
जेलेसी? वो भी ये प्रीता से? क्यों आंटी? तुम ही मुझे बताओ, स्टूपिड प्रीता और मेरी बेटी कृतिका का क्या कंपैरिजन है? आई मीन, मेरी बेटी कृतिका ब्यूटीफुल है, स्टाइलिश है, एक स्टेटस है उसका। उस मिडिल क्लास स्टूपिड लड़की को पृथ्वी जैसा गुड लुकिंग वेल सेटल्ड लड़का मिला कैसे? मेरी वजह से। रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? सिंपल सी बात है आंटी, देखिए अगर मैं नहीं होती ना तो ये प्रीता है ना, ये आपके घर की बहू बन जाती। सो इन अ वे मैंने ऋषभ को उससे छीन लिया और उसे किसी ना किसी से शादी करनी थी तो उसने पृथ्वी से कर ली। दैट्स अबाउट इट। यू नो व्हाट, मुझे लगता है तुम्हें भी जेलसी फील हो रही है, बिकॉज जिन लोगों को जेलसी फील होती है ना वो गुस्से में ऐसी ही स्टूपिड बातें करते हैं। और ये जो प्रीता की शादी पृथ्वी से हो रही है ना, वो तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो गेट दैट स्ट्रेट। एंड वन मोर थिंग, प्रीता की शादी ऐसे आदमी से हो रही है जो उसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारी शादी भी ऐसे लड़के से हो रही है जो अनफॉर्चुनेटली तुमसे ज्यादा प्रीता को पसंद करता है। आई थिंक यू नीड टू गिव इट अ थॉट। इजंट दैट सैड? आप हमारे होने वाले दामाद से मिलना चाहते थे ना? अरे पृथ्वी बेटा इधर आइए ना। ये पृथ्वी हमारे होने वाले दामाद, और ये ऋषभ जी हैं, लूथरा परिवार के बड़े बेटे। हाय पृथ्वी। ऋषभ। आप बेटा इन्हें पहले से जानते हैं, पहले मिले हुए हैं? नहीं, वो मैं एक्चुअली वही जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं शायद इनको कहीं मिला हूँ या फिर हम कहीं तो मिले हैं, समझ नहीं पा रहा मैं। एक्चुअली द थिंग इज, लोगों को ना अक्सर गलतफहमी हो जाती है मुझे देखकर। काफी आम आदमी वाला चेहरा ना मेरा, तो काफी लोगों से मेरा चेहरा मिलता जुलता है। ऐसी बात नहीं, मैं बस जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि कहीं आपको देखा है। अरे बेटा दो मिनट, हम लोग वो ना हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ, वो होने वाले दामाद से मिलना चाहते हैं। मैं इसमें अभी आ गई। आओ बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते। आंटी मैं बस एक मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज। इससे पहले कि करण और ऋषभ मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दे, मुझे उन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैंने आज उसकी आंखों में अपने लिए शक देखा है। नहीं 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 नहीं, बहुत अलर्ट रहना होगा मुझे। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं मिले हैं। Are you sure हम लोग पहले कभी नहीं मिले? Yeah, I'm damn sure हम नहीं मिले पहले कभी। Excuse me, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। Just a minute. Actually मैंने सुना है कि आप businessman हैं। What kind of business you have? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हम लोग किसी business conference या किसी business meeting में मिले, क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, you know? आपका चेहरा काफी काफी खास है। I don't think so. I'm damn sure हम पहले कभी नहीं मिले। Oh God, लगता है ऋषभ पृथ्वी से कुछ उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है। I have to do something. वो ऋषभ जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बोलिए ना क्या हुआ। सब आपको ढूंढ रहे हैं। Yeah, just come. Meet Prithvi. मैं जानती हूँ। प्रीता की मॉम ने हमें मिलाया था इसीलिए। ऋषभ जी चलिए ना, राखी आंटी कब से आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ मैं बस दो मिनट में आया। सॉरी बाकी की बातें बाद में कर लीजिएगा। सॉरी, विल सी यू लेटर। प्लीज कैरी ऑन। चलिए बाद में।
थैंक गॉड शर्लिन सही वक्त पर आ गई। थोड़ी सी और देर हो जाती ना तो हो सकता है कि ऋषभ को सब कुछ याद आ जाता। तुम? हाँ मैं। क्यों मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं? वो पृथ्वी के साथ तो बड़ी हंस खेल रही थी। हाँ वैसे ये क्या 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 प्रॉब्लम है इस मांग टीके में? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती मुझे, बस तुम्हें छूने के बहाने ढूंढ रहा था और तुम उसे छूने दे रही थी अपने आप को। प्रीता बेटा आपको रोके की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्ते अंकल जी। अच्छा तो ये है आपके होने वाले दूल्हे राजा, आपको भी रोका मुबारक हो। नहीं नहीं वो आप मुझे, मैं वो नहीं हूँ। अंकल जी ये मेरे दोस्त हैं करण। करण लूथरा। आई एम सॉरी, मैं सरला जी को मिलके आता हूँ। एक बात बताओ, ये सबको क्या गलत फहमी हो जाती है कि मैं तुम्हारा होने वाला दूल्हा हूँ? एक्सक्यूज मी, कोई ऐसा नहीं सोचता, कुछ पागल ही ऐसा सोचेगा। अंकल आपको पागल कह रही है? पागल हो गया। ओह मुझे लगता है यहाँ पे ना सब मेंटल है, जिनको तुमने इनवाइट किया इस पार्टी में तुम्हारी तरह सब मेंटल है। ओके सुनो, मेरे पास ना आज तुम्हारी बकवास के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ आए हो? आज मेरा रोका है। इट्स माय डे सो लेट मी एंजॉय। अरे सुनो मुझे पीके के बारे में। हे हाय कैसी हो प्रीता? बहुत अच्छी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। वैसे ये डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है। तुम्हें पता है सृष्टि ने की? ऐसे टाइम वेस्ट करता रहूंगा तो बात कब करूंगा। नाइस, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, चल कम। प्रीता ऐसे तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तो बड़ा ही हैंडसम है। थैंक्स। नहीं नहीं वो एक मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी। अभी तक तो कोई तुम्हें मेरा दूल्हा बोल रहा था तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस लड़की ने हंस के हैंडसम क्या कहा, उछल के थैंक यू, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? ओह गॉड कैसे इंसान हो तुम, कैसे Will you stop? अरे यार प्रॉब्लम क्या था? मुझे अपने से बहुत प्यार है फिरो, और अपनी तारीफ से भी। Really? सब लूजर्स को ऐसे ही लगता है। हेलो कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आप दादी वो इसके दुपट्टे में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सही करने जा रहा हूँ। मैं ठीक कर दूँ? नहीं अब मेरा मतलब है ये ना मुझे अपना सर्वेंट समझती है तो ये सारी प्रॉब्लम चाहती है कि मैं सॉल्व करूँ। Keep it up. Enjoy your drink. ये क्या था? क्या वो तुम्हारे चेहरे पे ये ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? वो पृथ्वी तुम्हारी हेल्प कर रहा था तो उसके हाथ में क्या फूल लगे और मेरे हाथ में कांटे? चलो चुप चाप। व्हाट? अरे लेकिन जिसने माना कि तुम मेंटल और डम्बो दोनों हो। लेट मी टेल यू, वो मेरी फैंस थी। ओके एक तो तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा हो? आई डोंट लाइक इट। भूल मत कि हम दी करण लूथरा, लड़कियां इन्हीं बाहों में आने के लिए तरसती हैं। ओह रियली? तो जाओ ना जल्दी करो इससे पहले कि लड़कियां रोके से चली जाए, उन्हें जाके जब भी पालो। यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। ओह रियली? अब मुझे समझ में आया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस कमरे में क्यों लेकर आया? तुमसे फ्लर्ट करना चाहता हूँ। इतना भी घटिया इंसान नहीं। ओके एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। तो कैसा है मिस करेली? हाँ मैं यहाँ तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम हैप्पी रहो सेफ रहो, और तुम्हों की कड़वा बोले जा रही हो। क्या तुम्हारी वजह से मैं अपना कोचिंग सेशन छोड़ के आया हूँ? तुम्हारी वजह से। मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया, तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? शाली? नहीं है वो मेरा मतलब है, अरे यार मैं क्या बोलता जा रहा हूँ। सी मैंने ऐसे इसलिए बोला ताकि तुम शौक दो जाओ, तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, मेरी बात सुन लो फॉर अ चेंज। अच्छा तुम रहने दो, तुमसे सच्चाई की उम्मीद तो कोई कर भी नहीं सकता। और क्या कहना है तुम्हें? इतनी देर से मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ लाए हो ना, लेकिन बातें घुमाई जा रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो तुम्हें टाइम ही वेस्ट करना है तो जाकर नीचे करो ना, वो उन लड़कियों के साथ जिनके साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे, मेरे पास टाइम ही वेस्ट करने। ओ हेलो, तुम पृथ्वी के साथ रोका करने जा रही हो तो मैं तो जेलस नहीं हुआ? अब मैं उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ तो तुम जेलस क्यों हो रही? बोलो। वैसे भी मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। एक मिनट, ये तो तुम रहने ही दो कि तुम फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो मेरे पास भी आंखें हैं देखने के लिए और दिमाग है समझने के लिए, सब समझ में आता है मुझे। तुम सीधी तरीके से बात कर सकती हो मुझसे कभी? तुम्हारे साथ कभी भी नहीं। फाइन कूल, ये रोका मत करो पीछा, रोका मत करो पीछा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।